का खून चूसा रिश्वत खाई। तुम समाजवाद और देश के नाम पर एक करोड़ को समाजवाद, हमारे देश में समाजवाद कहाँ है? हमारे देश में तो अवसरवाद है, जातपातवाद है, कुर्सीवाद है। अरे समाजवाद तो तब आएगा जब आप अपने वोट की ताकत महसूस करेंगे। ये जो वोट है ना, ये कागज का टुकड़ा नहीं है कि डब्बे में डाला और चल दिए। ये वोट तुम्हारे परिवार, तुम्हारे देश, उसकी उन्नति की पर्ची है। ये तो दो धारी तलवार है जो दोनों तरफ से काटती है। ठीक जगह पड़े तो देश खुशहाल और गलत जगह पड़े तो देश का सत्यानाश। अरे भाइयों, हम तो आपसे एक सवाल पूछते हैं। जब आप अपनी बहन या बिटिया की शादी तय करते हैं तो पहले अच्छा लड़का ढूंढते हैं, अच्छा खानदान देखते हैं, उसके गुण और अवगुण देखते हैं, तब जाकर कन्या की शादी करते हैं। वोट भी तो तुम्हारी बहन और बिटिया है ना, उसको किसी को भी उठाकर दे देते हो। अरे भाई, ये वोट तो भरोसेमंद और ईमानदार को देना चाहिए, मगर आप लोग क्या करते हैं? बेचते हैं अपना वोट, वोट का ब्लैक मार्केट करते हैं। जिसने ज्यादा पैसे दिए उसे दे दिया। वोट तो ऐसे बांटते हो जैसे वोट सड़क पर मिलता है। कभी किसी दोस्त को दे दिया, कभी अपनी जात वाले को दे दिया और कभी बेच दिया। अरे हम तो कहते हैं जो वोट बेचता है वो भी बेईमान है, जो वोट खरीदता है वो भी बेईमान है। तो फिर किस मुंह से हमें बेईमान कहते हो? हाँ, अरे अगर बेईमान लोग सरकार बनाएंगे तो सरकार तो बेईमान बनेगी ही। तो फिर चिल्लाते काहे को कि डाउन डाउन मुर्दाबाद। जिस दिन तुम वोट खरीदने वालों को अपनी चौखट से धक्का मारकर बाहर निकाल दोगे, उस दिन ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब देखो, हमारे इन उप मुख्यमंत्रियों को, इन बेईमानों को किसने भेजा? ये आप ही लोगों के भेजे हुए हैं ना। अब ये बेईमानी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आज से 5 साल बाद जब इनको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा तो ये पैसा कहां से लाएंगे? अरे यहीं से तो लाएंगे ना। अरे बोलिए बोलिए, आप कहते हैं कि हमने रिश्वत ली है, बेईमानी की है। अरे हम कहते हैं हाँ, हमने रिश्वत खाई है। कोई कहता है 12 करोड़, कोई कहता है 15 करोड़, कोई 16। आप जानते हमने कितना कमाया है? 62 करोड़, 60 और 2। हाँ, अरे यार सोचिए तो सही, अगर 6 महीने में हमने 62 करोड़ रुपया कमाया है तो हमसे पहले इतने लोगों ने इतने सालों में कितने करोड़ कमाए होंगे? हाँ, हिसाब लगा सकते हैं आप? अरे जब आप हमारा हिसाब नहीं लगा सके तो उन लोगों का हिसाब कैसे लगा सकते हैं? अरे हम तो कहते हैं उन लोगों से हिसाब मांगो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम भी मिलकर हिसाब मांगेंगे। क्यों? क्योंकि अब हमें पता चल चुका है कि ये रुपया, ये पैसा कमाने का तरीका कौन से रास्ते से होता है। हाँ, बेईमानी का पैसा किस रास्ते से कमाया जाता है ये अब हमें पता चल चुका है। आप लोग कहते हैं कि हम बेईमान है। हाँ, आप क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं? कोई कहता है ईमानदारी के पैगंबर हैं, मगर हम क्या है? हम बेईमान हैं। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन ये नहीं बोलेंगे। सुन लिया आप लोगों ने? क्योंकि हम इनका कच्चा चिट्ठा जानते हैं ना, इनका बांडा फोड़ सकते हैं, इसलिए तो हम इन बेईमानों के मुखिया बन गए। पर हमारी बेईमानी की कमाई गई कहां? क्या हम निकल गए? अरे हराम का पैसा कि उन ईमानदार लोगों की जय जयकार करो, उन्हीं को वोट दो, उन्हीं की सरकार बनाओ और लोकतंत्र के हाथ मजबूत करो। पर वो ईमानदार लोग भीख का प्याला लेकर वोट मांगने के लिए तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आएंगे। अरे तुम्हें जाना पड़ेगा उनके दरवाजे पर अपना वोट लेकर और उनसे विनती करनी पड़ेगी कि हमारा वोट स्वीकार करो। वो देखिए, आपके सामने बाल मुकुंद त्रिपाठी खड़े हैं, आधी जवानी कल्याण है। आप लोगों में यही तो खराबी है, कोई बड़ी बड़ी बातें करे, मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें करे, आप धनाधन तालियां बजाना शुरू कर देते हैं, सुनकर खुश हो जाते हैं। ये ताली बजाना बंद करो, ये ताली बजाने का वक्त नहीं है। अरे आपके इस सीधेपन का तो लोग फायदा उठाते हैं। पहले हमसे पूछो, ए राम अवतार, ए राम अवतार, वो 62 करोड़ रुपया कहां है? वो 62 करोड़ हम बैंक में रखा है, और ये रही उस बैंक के लॉकरों की चाबियां। 62 करोड़ बैंक में है। अब कहो कि हम बेईमान है, रिश्वतखोर है, धोखेबाज है, बोलो। अगर लोगों को कुर्सी पर बिठाने का हक आप लोगों के पास है तो उनको कुर्सी से घसीट कर नीचे फेंकने का हक भी, ताकत भी आप लोगों के पास होनी चाहिए।